किस प्रयास को? देखिए कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, दुर्भाग्य से आजादी के बाद वह दिशाहीन हो गई और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। ये दिशाहीनता का ही दुष्परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने लगातार भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। यूपीए सरकार के समय यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था और दुनिया के सामने बदनाम करने का भी उससे चेष्टा की थी। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद